Welcome back guys. In today's video we will study about Mendel's law of inheritance. So Mendel, who was a scientist, he told that characters are controlled by paired genetic units or factors. Okay, तो क्या बोला, जो भी character है या फिर eye color का हो गया या फिर height का हो गया, वो किसके control में है? Genetic units के control में है, या उसको factor बोला. But now हम लोग उसको क्या बोलते हैं? Gene बोलने लगे. अर्लियर मेंडल टोल्ड उसके फैक्टर बोला गया उसको, पर अभी हमको उसको जीन बोलते हैं. और जीन जो है ये पेयर में मिलता है. ओके, सो जीन ऑलवेज वर्क्स इन पेयर, लाइक कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी. तो और ये हमेशा अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो द लेटर टी एंड टी आर एक्चुअली रिप्रेजेंट टू फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन. ओके, and this alternative form of gene is known as allele. okay, so aur kya Mendel ne bataya ki there are two types of alleles. okay, first is dominant allele and second is recessive allele. okay, for example ab dekho, the allele for tallness. okay, allele for tallness is represented by letter T. okay, तो मतलब tallness के allele को हम लोग किससे represent किए? letter T से. और dwarfness इसको represent किया small T से. ठीक है, तो क्या दिख रहा है ये हम लोग tallness और dwarfness ही क्या है? It's telling about a character which is called हाइट. किसकी बात कर रहे हैं? हाइट. तो ये मान लो कि हाइट एक क्या है? जीन है. ठीक है, इसका दो फॉर्म है, टॉलनेस एंड डॉफनेस. तो टॉलनेस के एलील को हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं कैपिटल टी से, और डॉफनेस का टी को एलील को रिप्रेजेंट किए स्मॉल टी से. तो यही बताना चाह रहा है कि एलील हमेशा दो तरह का होता है, डोमिनेंट एलील एंड रिसेसिव एलील. okay, so before going into the principles of inheritance we have to get familiar with some terms which are related to genetics. so now we will deal with some genetics terminology. okay, so the first term is genome. what is a genome? it is the total number of genes present in the haploid set of chromosome. to genome kya hai? टोटल नंबर ऑफ जीन्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ जीन्स कहाँ प्रेजेंट होगा? हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब एन नंबर. तो हैप्लॉयड सेट में जितना क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, मतलब सॉरी, हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम में जितना जीन प्रेजेंट होगा, तो उस टोटल को हम लोग क्या बोलेंगे? जीनोम. ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज प्रोजेनी. व्हाट इज प्रोजेनी? the offsprings produced by mating is called progeny. मतलब जो भी offspring produce होता है कोई भी mating के बाद के, तो उस जो product को हम लोग बोलते हैं progeny बोलते हैं. okay, now
फैक्टर्स क्या है? मेंडल ने टर्म यूज किया था एक फैक्टर, फैक्टर इज नथिंग बट जीन. फैक्टर्स को हम लोग क्या बोलने लगे हैं? जीन. सो फैक्टर्स आर द जीन्स लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम. ओके, नेक्स्ट टर्म इज लोकस. तो लोकस क्या है? द लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर जीन, पर्टिकुलर जीन ऑन अ क्रोमोसोम. ठीक है, तो लोकस क्या बताता है? लोकस लोकेशन बताता है किसका? जीन का लोकेशन बताता है. किसमें? क्रोमोसोम में. मान लो ये तुम्हारा क्रोमोसोम है, ठीक है, तुम्हारा क्रोमोसोम हो गया, और ये क्या हो गया? यहां पे एक जीन है, ठीक है, फॉर पर्पल फ्लावर. तो ये क्या है? उस जीन का, उस जीन का लोकस है. क्या है? ये लोकस है, मतलब उसका लोकेशन बता रहा है कि क्रोमोसोम में ये जीन कहां प्रेजेंट है. ओके, नेक्स्ट इज अलील. अलील पहले भी बताया था, अलील इज नथिंग बट ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन. अब आता है होमोजाइगस और हेटरोजाइगस क्या है. ओके, ठीक है, होमो मतलब क्या समझ आ रहा है? होमो मीन्स सिमिलर. ठीक है, तो कोई भी अलील अगर ऐसे होता है, कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, तो ये सिमिलर है, तो इस टाइप के अलील को हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजाइगस अलील. ओके, नेक्स्ट आता है हेटरोजाइगस. तो इस तरह के एलील कैसे हो गए? कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब डिससिमिलर होंगे. तो अगर डिससिमिलर हुआ तो उसको बोलेंगे हेटरोजाइगस, अगर सिमिलर एलील हुआ तो उसको बोलेंगे होमोजाइगस. ओके, नाउ डोमिनेंट एलील. सो डोमिनेंट एलील क्या है? ऐसा एलील जो कि दोनों होमोजाइगस और हेटरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है, ठीक है, तो वैसा एलील को बोलेंगे डोमिनेंट एलील. एन एलील दैट इज एक्सप्रेस्ड इन बोथ होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस कंडीशन. ओके, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर वाला. ठीक है, एग्जांपल इसका देख लो, ये ऐसे हो सकता है या ऐसे ऐसे हो सकता है. ठीक है, तो यहां पे तुमको दिख रहा होगा एक होमोजाइगस कंडीशन और एक हेटरोजाइगस कंडीशन, तो ऐसे एलील को बोलेंगे डोमिनेंट एलील. नेक्स्ट आएगा रिसेसिव एलील. रिसेसिव एलील जो होता है ये क्या होता है? ये हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होता है, एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन. और इसका एग्जांपल कैसा होता है? स्मॉल टी स्मॉल टी. तो हमेशा स्मॉल लेटर से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वो रिसेसिव हो जाता है, और जो कैपिटल्स जिसको करते हैं वो डोमिनेंट हो जाता है.
इसको भी हम लोग डोमिनेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक कैपिटल लेटर है, इसीलिए ये डोमिनेंट हो जाता है। ओके, अब क्या है टर्म, जीनोटाइप। सो व्हाट इज जीनोटाइप? जीनोटाइप इज द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या है? जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मतलब क्या हुआ कि जेनेटिकली कैसा है, मतलब वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, होमोजाइगस रिसेसिव है, या फिर हेटरोजाइगस डोमिनेंट है, तो ये उसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होता है। अब फेनोटाइप क्या होता है? व्हाट इज फिनोटाइप? फिनोटाइप इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मतलब फिजिकली बाहर से वो ऑर्गेनिज्म कैसा दिख रहा है। मान लो कोई फ्लावर का बात कर रहे हो, तो बाहर से वो कैसा बोल सकते हैं, येलो फ्लावर, ओके, या व्हाइट फ्लावर। तो क्या है ये, फिजिकली कैसा दिख रहा है, तो उसको बोलते हैं उसका फिनोटाइप। ठीक है, और जीनोटाइप में क्या है, उसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, वो कैसा है, होमोजाइगस डोमिनेंट है, हेटरोजाइगस डोमिनेंट है, या फिर होमोजाइगस रिसेसिव है। ओके, नेक्स्ट टर्म आता है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन क्या बोलते हैं? फर्स्ट फिलियल जनरेशन। मतलब तुम एक क्रॉस बना रहे हो, मान लो कि ये फादर है, ये मदर है, ठीक है, और इसका प्रोजेनी जो है वो प्रोड्यूस हुआ, ये और ये, तो ये सबसे पहली बार प्रोड्यूस हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, वैसे ही अगर इसको फिर से हम लोग क्रॉस करवाते हैं और फिर जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगा यहां पे, फिर जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड जनरेशन। सो जब क्रॉस बनाएंगे प्रॉपर्टी तो क्लियर होगा कि फर्स्ट जनरेशन किसको बोलते हैं और सेकेंड जनरेशन किसको बोलते हैं। ओके, सो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, मेंडल एक एक्सपेरिमेंट किया था किसपे, पी प्लांट पे। सो आई वॉज टेलिंग दैट मेंडल जो था वो उसने एक्सपेरिमेंट किया था, तो अपने एक्सपेरिमेंट में उसने पी प्लांट को सिलेक्ट किया। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो मेंडल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, सो उसने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके वो क्या देखना चाह रहा था कि कैसे इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, दैट हाउ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर टेक्स प्लेस फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। ओके, तो इसने अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। ठीक है, सो ही सिलेक्टेड गार्डन पी इन हिज एक्सपेरिमेंट। सो गार्डन पी सिलेक्ट करने का बहुत सारा रीजन था मेंडल के पास। सो फर्स्ट रीजन क्या था, फर्स्ट रीजन वॉज गार्डन पी वॉज बायसेक्सुअल, मीन्स उसका फ्लावर जो था, फ्लावर वॉज बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का क्या मतलब हुआ,
कि एक ही फ्लावर में बोथ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, गार्डन पी हैज कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। तो मेंडल को एक ही पी प्लांट में बहुत सारा कैरेक्टर मिल रहा था, जैसे कि सीड का शेप, कलर, उसका पॉट का शेप, कलर, फ्लावर का कलर, पोजीशन ऑफ फ्लावर। तो ये सारा बहुत सारा कैरेक्टर उसको एक ही प्लांट में मिल रहा था, इसलिए उसका रीजन था इस प्लांट को सिलेक्ट करने पे, ठीक है। और क्या रीजन था, दैट पी प्लांट वॉज सेल्फ पॉलिनेटिंग इन नेचर। पी प्लांट वॉज सेल्फ पॉलिनेटिंग इन नेचर, तो ये भी एक उसका प्लस पॉइंट था। सेल्फ पॉलिनेशन का क्या मतलब होता है, पॉलिनेशन ऑफ अ फ्लावर बाय पॉलन फ्रॉम सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, मतलब सेम प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन उसमें होता था, इसलिए भी एक रीजन था पी प्लांट को सेलेक्ट करने में, ठीक है। और क्योंकि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर था, तो इसका सेल्फ पॉलिनेशन हम लोग प्रिवेंट भी कर सकते थे बाय रिमूविंग द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ओके। एंड क्रॉस पॉलिनेशन could be done artificially, okay. So these were the reasons for selecting pea plant. So now we will talk about mono hybrid cross. तो mono hybrid का मतलब क्या हो रहा है, ऐसा cross जिसमें एक ही हम लोग trait को लेते हैं, एक ही character को लिया जाता है, जब only one pair of contrasting trait is taken, ठीक है। तो जब एक कैरेक्टर का यूज करेंगे तो उस क्रॉस को हम लोग बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो आप एक कैरेक्टर को लिया, तो मेंडल ने क्या किया, पी प्लांट का हाइट को लिया, ओके। ठीक है, सो लेट्स सी द क्रॉस, ओके। पेरेंट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी से, तो यहां पे इसका पेरेंट हो गया कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, ये जीनोटाइप है, ठीक है। जीनोटाइप एक्सप्लेन कर चुकी हूं पहले, और कैपिटल टी इसका फिनोटाइप क्या होगा, ये टॉल हुआ, स्मॉल टी है तो ये क्या होगा, डॉर्फ होगा, ठीक है, ये इसका फिनोटाइप हो गया, ओके। ये कैसा है, होमोजाइगस है, और ये भी होमोजाइगस है, ओके। अब क्या करते हैं, गैमेट्स क्या आएगा, जब क्रॉस के वक्त कौन कौन सा गैमेट आएगा, तो यहां से आएगा टी और यहां से आएगा स्मॉल टी, यहां से कैपिटल टी, यहां से स्मॉल टी, तो क्रॉसिंग ओवर हुआ। और क्या प्रोजेनी प्रोड्यूस होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये क्या है, F1 जनरेशन है, ठीक है। तो F1 जनरेशन में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब चलो इसका जीनोटाइप तो ये हो गया, ठीक है, अब इसका फिनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी है, मतलब एक कैपिटल टी है, ठीक है, तो क्या हो गया, ये डोमिनेंट हो गया, तो यहां पे डोमिनेंट कैरेक्टर किसका था, टॉल का था, तो ये क्या होगा, प्रोजेनी इसका टॉल होगा, ओके, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड जनरेशन में क्या होता है, तो हम लोग सेकेंड जनरेशन के लिए हम लोग क्या करवाएंगे, सेल्फ क्रॉस करवाएंगे। सेल्फ क्रॉस में क्या होता है, ये जो प्रोड्यूस हुआ ना उसी से क्रॉस करवाते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये भी क्या होगा, टॉल होगा, ठीक है। अब क्या क्या गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहा है, यहां से कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से क्या गैमेट प्रोड्यूस होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें क्रॉसिंग कैसे होता है,
this is capital T, small t, small t. ये होगा कैपिटल टी स्मॉल टी और ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी. तो ये सारा जीनोटाइप पता चल गया हम लोग को. और ये क्या है तुम्हारा? एफ टू जेनरेशन है. ठीक है, अब इसका फिनोटाइप जल्द से बताएंगे हम लोग. फिनोटाइप दिस विल बी टॉल, दिस इज ड्वार्फ, दिस इज टॉल एंड दिस इज ऑल्सो टॉल. ठीक है, ये होगा तुम्हारा होमोजाइगस, होमोजाइगस, दिस इज हेट्रोजाइगस एंड दिस इज ऑल्सो हेट्रोजाइगस. अब हम लोग देखेंगे इसका फिनोटाइपिक रेशियो. तो फिनोटाइप रेशियो कैसे देखते हैं? यहां देखो कितना टॉल है, एक दो तीन, तो थ्री. ओके, ड्वार्फ कितना है? एक, तो थ्री इज टू वन. तो इसका फिनोटाइप रेशियो कितना होता है? थ्री इज टू वन. सो फिनोटाइप रेशियो इज थ्री इज टू वन. एंड व्हाट अबाउट जीनोटाइप रेशियो? यहां देखते हैं जीनोटाइप रेशियो के लिए, इस तरह का एक है. ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी ये दो है और स्मॉल टी एक है. तो फिनोटाइप रेशियो हो गया थ्री इज टू वन और जीनोटाइप रेशियो क्या होगा? वन इज टू टू इज टू वन. तो ये याद रखने वाली चीज है. ओके, कि फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है. ठीक है, तो आफ्टर दिस क्रॉस उसने थ्री क्या निकाला? अपना प्रिंसिपल्स निकाला उसने. ठीक है, सो व्हाट वेयर द मेंडल्स थ्री प्रिंसिपल्स? सो आफ्टर मोनोहाइब्रिड क्रॉस उसके दिमाग में थ्री कंक्लूजन आया, तो उसने तीन लॉ दे दिया अपना. तो उसका पहला लॉ था प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर. ठीक है, तो ये लॉ क्या बोलता है कि जेनेटिक कैरेक्टर्स, जेनेटिक कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय यूनिट फैक्टर्स दैट एग्जिस्ट इन पेयर्स. ठीक है, सो ये क्या बोल रहा है कि जो भी जेनेटिक कैरेक्टर है वो किसके कंट्रोल में है? हमारे यूनिट फैक्टर्स मतलब जीन के कंट्रोल में, और वो क्या है? हमेशा पेयर में मिलता है. ठीक है, जो कि वन ऑफ विच वी इनहेरिट फ्रॉम आवर फीमेल पेरेंट एंड द अदर फ्रॉम द मेल पेरेंट. ठीक है, और ये क्या हो सकता है? ये सिमिलर हो सकता है और डिसिमिलर भी हो सकता है. अब आएगा मेंडल का नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस. सो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? आउट ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट. ठीक है, एंड द वन विच इज एबल टू एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट इट इज कॉल्ड डोमिनेंट फैक्टर. ठीक है, व्हाइल द अदर विच does not show its effect is called
रिसेसिव। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो दो ट्रेट होता है, मान लो हाइट का ड्वार्फ या टॉल, तो उसमें से एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। तो अगर जो एक्सप्रेस कर रहा है तो उसको बोलेंगे डोमिनेंट फैक्टर, और जो दूसरा जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है उसको बोलेंगे रिसेसिव कैरेक्टर। जैसे कि हमने क्रॉस में देखा था कि कैपिटल टी को क्रॉस किया स्मॉल टी से, उसका गैमेट आया कैपिटल टी और इसका आया स्मॉल टी, तो प्रोजेनी क्या बना? कैपिटल टी। तो इसका फिनोटाइप क्या हुआ? टॉल हुआ, क्योंकि ये जो डोमिनेंट था ये वाला, ये अपने आप को एक्सप्रेस किया, ठीक है, इसलिए उसका इफेक्ट दिखा। और जो ये जो हो गया ड्वार्फ का कैरेक्टर, ये क्या हुआ? ये रिसेसिव था। तो इसको रिसेसिव क्यों बोले हम लोग? क्योंकि ये अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, इसलिए प्रोजेनी में वो नहीं दिखा। तो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस यही बताता है। ठीक है, अब आता है लास्ट प्रिंसिपल इसका। सो थर्ड इसका प्रिंसिपल क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? सेपरेशन। ठीक है, तो ये लॉ में मेंडल क्या बोल रहा है? दैट द पेयर्ड एलील, द पेयर्ड एलील सेपरेट या सेग्रीगेट रैंडमली, ठीक है, रैंडमली ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो जो पेयर्ड एलील है वो क्या होता है? रैंडमली सेपरेट हो जाता है। ठीक है, सो दैट ईच गैमेट कैन रिसीव इधर ऑफ द टू एलील्स। ठीक है, जैसे कि इसमें हुआ था कि ये क्या हो रहा है, गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे दो एलील सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, दो एलील क्या हो रहा है? सेपरेट हो रहा है, रैंडमली सेपरेट हो रहा है। ठीक है, सो दैट जो गैमेट यहाँ बन रहा है उसको क्या मिले? वन ऑफ द इधर ऑफ द टू एलील्स। ठीक है, तो ये इस लॉ को बोलेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट दो। तो इस क्रॉस में मेंडल ने क्या किया? ही टुक टू डिफरेंट कैरेक्टर्स। क्या किया उसने? दो डिफरेंट कैरेक्टर्स लिया उसने। ठीक है, पहला कैरेक्टर था सीड शेप, ओके, ये दो तरह का था, राउंड सीड एंड रिंकल्ड सीड। ठीक है, तो राउंड सीड को रिप्रेजेंट किया कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर में, और रिंकल्ड सीड को रिप्रेजेंट किया उसने स्मॉल आर में। तो ये कैरेक्टर हुआ सीड शेप। नाउ द सेकेंड कैरेक्टर वॉज सीड कलर, ओके। तो सीड कलर टू टाइप्स, फर्स्ट वॉज येलो सीड एंड द अदर वॉज ग्रीन सीड, ओके। तो येलो सीड को रिप्रेजेंट किया कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, और ग्रीन सीड को रिप्रेजेंट किया स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। तो दोनों कैरेक्टर में देख रहे हो कि येलो को हम लोग डोमिनेंट माने हैं और ग्रीन सीड को हम लोग क्या माने हैं? रिसेसिव माने हैं। ठीक है, अब हम इसका क्रॉसिंग देखेंगे, क्रॉस कैसा होता है इसका। तो पेरेंट्स क्या क्या होंगे? सिंस दो कैरेक्टर लिया है तो ये ले लो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, क्रॉस किया किसके साथ? स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, तो इसका क्या होगा फिनोटाइप? राउंड येलो सीड्स। ठीक है, इसका क्या होगा? रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। ठीक है, ओके, ये पेरेंट्स है। अब हम इसका क्रॉसिंग ओवर करेंगे। तो सबसे पहले गैमेट्स क्या प्रोड्यूस होगा? यहां से गैमेट्स आएगा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, और यहां से आएगा स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ठीक है, तो क्या प्रोजेनी प्रोड्यूस हुआ? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है,
ये प्रोड्यूस हुआ, ये उसका क्या हुआ, एफ वन जनरेशन में ये प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब इसका फिनोटाइप क्या होगा, ऑल राउंड येलो सीड्स। क्यों सब राउंड और येलो सीड्स हैं, क्योंकि आर जो है कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राउंड को, और कैपिटल वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो को। सिंस कैपिटल आर भी प्रेजेंट है, कैपिटल वाई भी प्रेजेंट है, इसीलिए इसका फिनोटाइप क्या होगा, राउंड येलो सीड्स, ठीक है। अब हम इसका क्या कराएंगे, एफ टू जनरेशन करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे। सो लेट्स सी हाउ। ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो क्या करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे। जिससे क्या होगा, हम लोग को एफ टी जनरेशन मिलेगा। ओके, तो गैमेट्स क्या क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ओके, ठीक है। मान लो ये इधर मेल हो गया, फीमेल को हम लोग इस साइड लिखेंगे, तो क्या क्या गैमेट्स आ रहे थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये सारा गैमेट्स हो गया, ठीक है। अब देखो क्या क्या प्रोड्यूस होगा, यहां पे क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इन दोनों से, ठीक है। यहां देखो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां पे क्या प्रोड्यूस होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। नाउ दिस एंड दिस, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सिमिलरली ये और ये, कैपिटल आर स्मॉल वाई ये और ये, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दिस एंड दिस, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये और ये, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दिस एंड दिस, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लास्ट वाला हुआ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये हम लोग को जीनोटाइप मिल गया क्रॉस करने के बाद। अब हम इसका फिनोटाइप निकालेंगे, तो फिनोटाइप निकालने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए जो कैपिटल आर है वो किसको डिनोट कर रहा है, क्या कर रहा है कैपिटल आर डिनोट, राउंड को, कैपिटल वाई येलो को, तो स्मॉल आर किसको डिनोट कर रहा है, रिंकल्ड को, और स्मॉल वाई ग्रीन को कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे सिंस सारा कैपिटल में, तो क्या होगा इसका फिनोटाइप, राउंड एंड येलो, ठीक है। यहां पे क्या होगा, कैपिटल आर है इसमें, तो राउंड एंड येलो, यहां पे भी क्या होगा, राउंड एंड येलो, यहां पे भी राउंड एंड येलो। अब यहां देखो, यहां पे भी ये कैपिटल आर कैपिटल वाई है, तो इसका भी क्या होगा, राउंड एंड येलो, यहां पे भी राउंड होगा, लेकिन क्या है, यहां पे दोनों स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई नहीं है, तो यहां पे क्या होगा, ग्रीन होगा, क्योंकि स्मॉल वाई किसका था, ग्रीन का था। यहां पे क्या होगा, राउंड एंड येलो, क्योंकि कैपिटल वाई है, यहां पे राउंड एंड ग्रीन, क्योंकि दोनों स्मॉल वाई है। यहां देखो, राउंड एंड येलो,
यहाँ पे राउंड एंड येलो, यहाँ पे है स्मॉल आर, तो क्या हो गई ये रिंकल्ड, एंड कैपिटल वाई है तो येलो, यहाँ पे स्मॉल आर है तो अगेन रिंकल्ड, एंड कैपिटल वाई है तो येलो। इसमें क्या होगा, कैपिटल आर है तो राउंड येलो, यहाँ पे राउंड, स्मॉल वाई है तो ग्रीन, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल आर है तो रिंकल्ड, और ये हो गया येलो, ठीक है, यहाँ पे हो गया रिंकल्ड क्योंकि स्मॉल आर है, और सिंस स्मॉल वाई भी है तो ये होगा रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है। तो ये सारा प्रोड्यूस हुआ। अब क्या करते हैं हम लोग, अब इसका रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि राउंड एंड येलो कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सॉरी एक बार फिर से करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहां पे 9। तो राउंड एंड येलो कितना है, 9। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, 9, ठीक है। अब देखते हैं राउंड एंड ग्रीन कितना है, यहां 1, ये दूसरा और ये तीसरा, तो राउंड एंड ग्रीन कितना हुआ, 3 हुआ, ठीक है, तो 3 लिख दिया। अब देखेंगे रिंकल्ड एंड येलो कितना है, यहां यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे है रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो 2 और एक यहां पे रिंकल्ड येलो, तो कितना हुआ रिंकल्ड येलो, 3 हुआ, और एक कुछ बच रहा है, हाँ ये लास्ट में रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये सिर्फ एक ही है, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग 1। तो फेनोटाइप रेशियो क्या हुआ, 9:3:3:1, ये बहुत इजी है निकालना, ठीक है, आप काउंट कर लो फिनोटिपिकली, जो जो अलग दिख रहा है वैसे रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है। सो मेंडल का जो डायहाइब्रिड क्रॉस था उससे क्या एक नया लॉ निकला, तो वो लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, सो ये लॉ क्या बोलता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द एलील्स ऑफ टू डिफरेंट कैरेक्टर्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है कि दो डिफरेंट कैरेक्टर का बात कर रहा है, जैसे कि हम लोग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में देखें कि दो डिफरेंट हम लोग कैरेक्टर लिए थे इसमें, राउंड एंड येलो और क्या था रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये दो कैरेक्टर लिया गया था, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब ये जो दो कैरेक्टर था वो अपने आप में मिक्सअप नहीं हुआ, इंडिपेंडेंटली निकला, ठीक है। जैसे कि सीड कलर का बात करते हैं, येलो सीड ग्रीन सीड, तो ये दोनों अपने में मिक्सअप हो गए, एक नया कलर प्रोड्यूस नहीं किया, या क्या क्या अपने आप इंडिपेंडेंट रहा, इंडिपेंडेंटली ये लोग अलग हुआ, ठीक है। वैसे ही अगर सीड शेप का बात करते हैं, राउंड सीड और रिंकल्ड सीड, तो हम लोग देखे होंगे वहां जब क्रॉस बनाए थे तो क्या था, ये दोनों अलग अलग दिखा, ये लोग मिक्सअप होके एक नया कलर नहीं बनाया, एक नया शेप नहीं दिया, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोल रहा है मेंडल कि जो एलील है वो क्या हुआ, द एलील्स ऑफ टू डिफरेंट कैरेक्टर्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। तो इसमें यही बता रहे जा रहा है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।